ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे के ईश्वरवतान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सच्ची सच्ची स्वतंत्रता पाएं। वो स्वतंत्रता कौन सी है? भारत ने स्वतंत्रता पा ली, लेकिन हम व्यक्तियों ने, हम आत्माओं ने क्या स्वतंत्रता सत्यता से, सच्ची तरीके से पाई है कि नहीं, इसको चेक करने का समय आ गया आज। देखें परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, परमात्मा कहते हैं मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्ट मोहाभवा। मेरा ये, मेरा वो, मेरा आइडिया, मेरा व्यक्ति, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरे पैसे, कितना कुछ मेरा है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप मेरे में लगा सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें अगर आपको लगती हैं जो कि मैंने मिस आउट करी हैं, ज़रूर आप कमेंट में डालिएगा मेरे मेरा क्या क्या है। परमात्मा कहते हैं जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। होती कि नहीं होती? मेरा फ़ोन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ रखा, किधर रखा, अरे किसने रख ले लिया, किसने चोरी तो नहीं कर लिया, अरे कितने क्वेश्चंस, कहाँ, क्या, कैसे, ये सब की जड़ क्या है? मेरा 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 मेरा। परमात्मा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि केयरलेस बन जाओ, लेकिन मेरापन हटाओ। जिस चीज़ का, जिस व्यक्ति का जितना समय हमारे साथ में लिखा हुआ है, जिस स्थान में रहने का जितना समय लिखा है, उतना ही रहना है हमें। तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी रचना, क्रिएशन, डिस्कवरी हो या इन्वेंशन हो, या आपने कोई चीज़ की क्रिएशन करी हो, जैसे हो गया मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे 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 मेरे। तो परमात्मा कहते हैं मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, फलाना फलाना फलाना, ये मेरापन थोड़ा भी किनारा रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। मंजिल क्या है? शांति, खुशी, आनंद, शक्ति, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं हमारे से जब हम मेरेपन में खुल जाते हैं। गहराई से सोचिएगा, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरे बच्चे नहीं, परमात्मा आपके बच्चे, आप जानो इनका बेस्ट क्या है। मैं जोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकता, कर नहीं सकती हूँ। मेरी दुकान नहीं, आपकी दुकान है, आपके अनुसार मैं इसको चलाऊँ। मेरी दुकान सोची तो लोभ आएगा, परमात्मा की दुकान सोची तो हम संतुष्टता से कर्म करेंगे, लोभ से नहीं करेंगे, हम घोटाला नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा की दुकान होगी ना। अब इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा, नहीं तो सुख शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टता नहीं मिलेगी, गलत कर्म हो जाते हैं फिर। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। ये हद की चीज़ है ना सारी। ये सामने जो मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी तो क्या है, मेरा कहने से क्या होगा, हद की चीज़ होगी। ये परमानेंट है क्या? नहीं है। ये शरीर मेरा परमानेंट है कि नहीं है? तो इन चीज़ों से मेरा लगाव होगा तो बहुत दुख होगा। यही तो चीज़ सीख रहे हैं हम। तो लगाव मुक्त होते भी कैसे इसको इस्तेमाल करें, लगाव मुक्त होते भी चीज़ें कैसे आपके पास में रहें हों, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस करना छोड़ दिया फिजिकल वर्ल्ड में, नहीं, लेकिन लगाव मुक्त होकर करना ये ज़रूरी है। यही तो सीखा जाता है ताकि मन बुद्धि एकदम शीतल और शांत और शक्तिशाली रहे, कंसंट्रेशन पावर आपकी खत्म ना हो। तो परमात्मा कहते हैं आगे देखें, हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। और बेहद में कौन है? बेहद मतलब इन्फिनाइट। इन्फिनिटी में तो परमात्मा पिता ही हो सकते हैं। वह है मेरा बाबा। बस एक ही चीज़ से लगा, वो है परमात्मा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी। किसकी स्मृति? बाबा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से। ड्रामा में किसी से मिले आप थोड़ी देर बाद बिछड़ के, जैसे ट्रेन पे मिलते हो, मुसाफिर मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, उसी तरीके से आप किसी से मिलते हो इस दुनिया में, कोई मुसाफिर आता है, कोई साथी संबंधी बन जाता है, फिर वो चले जाता है। तो परमात्मा कहते हैं ड्रामा को समझो, बाबा को समझो, बाबा की स्मृति रहे। और ड्रामा के तो बहुत गहरे राज हैं जो कि आप सीख सकते हो ब्रह्मा कुमारी में आकर के, कि ये दुनिया का ड्रामा बना कैसे है। और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी। अचल स्थिति, मन अचल अडोल रहेगी। और नष्ट मोहा बन जाएंगे। कोई भी चीज़ आपको हलचल में ला नहीं सकती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन आपको हलचल में नहीं ला सकता। इतनी ताकत इस ज्ञान में। क्या आप अचल बनना चाहते हैं? क्या आप शांत बनना चाहते हैं? क्या आप नष्ट मोहा बनना चाहते हैं? क्या आप तंग आ चुके हैं कि लोग आपको दुख देते जाते हैं, आपको फील होता रहता है, बुरा फील करते रहते हैं, आपको ड्रामा की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको परमात्मा की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको आत्मा की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ज्ञान की बहुत ज़रूरत है आपको।
अगर आप अचल अडोल बनना चाहते हैं तो ये ज्ञान आपके लिए है, जो कि मिलता है ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। इसी के साथ हम शुरू